प्रणाम स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर कौशिक नौ तक के बारे से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखो यहाँ ये जो कौशिक नौ तक के बारे से है, उसमें ये जो कौशिक कह तक की लाइन है, वो लाइन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराती हूँ। सो एवरीवन प्रॉपरली लुक हियर, नाउ स्टार्ट। देखो ये ऐसे क लिखा तो उस पर कुछ भी नहीं, मतलब क, फिर ऐसे कने काना, मतलब क के पीछे से लाइन की तो उसको कहेंगे कने कानो का, फिर क के आगे से ऐसे मंत्र लगाएंगे तो कने रसवई की, कने दीर्घई की, कने रसवऊ कु, कने दीर्घऊ कु, कने एक मात्रा के, कने बे मात्रा, मतलब क के ऊपर ऐसे दो मात्रा लग जाएंगे उसे कहेंगे कने बे मात्रा कई, कने फिर काना, मतलब एक लिटी करके एक मात्रा होगी उसे, कने कानो एक मात्रा को भी बोल सकते हैं, कने ओनी मात्रा को भी बोल सकते हैं, कने कानो बे मात्रा कौ ऐसे ही बोल सकते हैं, कने औनी मात्रा कौ, कना माथे मिंडू कम, कने विसर्ग कह, ऐसे ये जो मंत्राएं हैं वो मंत्राओं को ही आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कि जैसे रसवई है, दीर्घई है, फिर ये रसवऊ है, दीर्घऊ है, फिर ये इधर ऊपर एक मंत्रा है, इस दो मंत्रा है, यहाँ ओ की मंत्रा है, यहाँ औ की मंत्रा है, यहाँ माथे मिंदु छे तो कम, और कह के वहाँ दो लाइन टॉट्स जैसे हैं तो कह है, ओके। तो आपको ऐसे ही यहाँ मैं आपको लर्न कराऊँगी ख की लाइन। ख की लाइन में देखेंगे खने कहीं नहीं, ख खने कानो खा, खने रसोई खी, खने दीर्घई खी, खने रसऊ खु, खने दीर्घऊ खु, खने एक मात्र खे, खने बे मात्र खई, खने उनी मात्र खो, खने उनी मात्र खौ, खना माथे मिंदु खम, खने विसर्ग खह, ऐसे ही गने कैने ग, गने कानो गा, गने रसोई गी, गने दीर्घई गी, गने रसऊ गु, गने दीर्घऊ गु, गने एक मात्र गे, गने बे मात्र गई, गने उनी मात्र गो, गने बे मात्र गने कानो बे मात्र गौ, गना माथे मिंदु गम, गने विसर्ग गह, ऐसे ही घने कहने घ, घने कानो घा, घने रसोई घी, घने दीर्घई घी, घने दीर्घ घु, घने सॉरी घने रसो घु, घने दीर्घ घु, घने एक मात्र घे, घने बे मात्र घई, घने उनी मात्र घो, घने उनी मात्र घऊ, घना माथे बिंदु घम, घने विसर्ग गह। फिर हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते, च चा ची ची चू चू चे चई चो चौ चम चह, ऐसे भी हम इसको रीड कर सकते हैं। फिर छ की लाइन छ छा छी छी छू छू छे छई छो छऊ छम छह। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हमको कौन सी मंत्रा को क्या बोलना है वो आपको याद रखना ही होगा। ज जा जी जी जू जू जे जई जो जऊ जम जह। ज झा जी जी जू जू जे जई जो झऊ झम झ। ट टा टी टी, देखो ये जो रसवाई होती है तो टी, और फिर दीर्घई होती है तो मतलब लेटर के आगे होती है तो टी, स्लो बोलना है, और दीर्घई मतलब लेटर के बाद जो मंत्र होते हैं उसको दीर्घई बोलते हैं, उसको बोलेंगे टी, तो उसको थोड़ा वजन देके बोलना है। टू टू टे टई टो टऊ टम टह। ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठई ठो ठऊ ठम ठह। ड डा डी डी डू डू डे डई डो डऊ डम डह। ढ ढा डी डी डू डू डे
ढई ढो ढौ ढम ढ अण अणा अणी अणी अणु अणु अणे अणई अणो अणौ अणम अणह त ता ती ती तू तू ते तई तो तौ तम तः थ था थी थी थु थू थे थई थो थौ थम थः द दा दी दी दु दू दे दई दो दौ दम दः ध धा दी दी दु दू दे दई दो दौ दम दः न ना नी नी नु नु ने नई नो नौ नम नः प पा पी पी पु पु पे पई पो पौ पम पः ह फा फी फी फु फु फे फई फो फौ पम फः ब बा बी बी बु बु बे बई बो बौ बम बः भ भा बी भी भु भु बे भई भो भौ भम भः म मा मी मी मु मु मे मई मो मौ मम मः य या ई यु यु ये यै यो यौ यम यः र रा रि रि रु रु रे रई रो रौ राम रह। अब यहाँ रू ऐसे लिखा है ना, उसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हो के ल ला ली ली लू लू ले लई लो लौ लम लह व वा वी वी वु वु वे वई वो वौ वाम वह स सा सी सी सु शु से सई सो सौ सम सः श सा शिशि शुषु शेषई शो सौ सम सः स सा शिशि सुषु शेषई सो सौ सम सः ह हा हि हु हु हे है हो हौ हम हः अड़ अड़ा अड़ी अड़ी अड़ु अड़ु अड़े अड़ै अड़ो अड़ौ अड़म अड़ह श सा शि शि शु शु शे शै शो शौ शम शः। अब लास्ट लाइन है घ घ्न घ्ना घ्नि घ्नि घ्नु घ्नु घ्ने घ्नै घ्नो घ्नौ घ्नम घ्नः। यहाँ ये जो पूरी मैंने आप लोग को बारह से अंडरस्टैंडिंग कराई उसमें आपको मंत्र ही ध्यान रखना है। मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर जाती हूँ। ऐसी लाइन की मंत्र आएगी तो आ कान कने कानो का, फिर ऐसी मंत्र आएगी तो कने रसोई की, ऐसी मंत्र आएगी तो कने दीर्घई की, और फिर ऐसी मंत्र आएगी तो रसवऊ कु, ऐसी मंत्र आएगी तो दीर्घऊ कु, ऐसे किसी भी लेटर पे हम करेंगे। फिर जैसे क लिखा है उस पर एक मंत्रा लगाएंगे तो कने एक मात्रा के, फिर ऐसे क पे दो मंत्रा लगाएंगे तो कने बे मात्रा कई, फिर ऐसे ही हम कने उन्हीं मंत्र लगाएंगे तो को कने ऊनी मात्रा कौ कना माथे मिंडु कम कने विसर्ग कह। देखो ये मंत्राओं पे आपको ज़्यादा बर्डन रखना होगा। अगर आप लोग ने मंत्रा अच्छे से लर्न कर ली, अंडरस्टैंडिंग कर ली, तो आपको पूरी बारहसरी आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज का होमवर्क रहेगा क से ज्ञ तक की जो ये बारहसरी है, वन टाइम राइट डाउन और फाइव टाइम रीडिंग वन। ओके फ्रेंड्स, प्रणाम।